आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, शुक्र है, बहुत खुदा का अलहमदुलिल्लाह। शुक्र है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत क्रिसमस आने वाली मुबारक हो, और ये हॉलीडे सीजन मुबारक हो, और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए। बिल्कुल जरूर, आमीन आमीन। हाँ, अलहमदुलिल्लाह। और सुनाइए कैसी है, तबीयत कैसी है, सर्दी का क्या हाल चाल है? ठंड तो बहुत ज्यादा है क्वेटा में, लेकिन बस वो तो ठीक है, जरा बिल्कुल हीट काफी ज्यादा है, तो इस वजह से बिल्कुल। इतनी फीलिंग नहीं होती, तो महसूस नहीं होता ज्यादा, लेकिन ठंड तो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप काफी अर्सा से कोयटा में रह रही हैं, इसलिए उस सर्दी से यूज टू हो चुके होंगे। आपदा मैं जब से दुबई से आई हूं तो मैं क्वेटा में ही हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जो कितने 35 अबव 35 ईयर्स तो हो गए मोर हैं देन जी, रहते। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 ईयर, क्योंकि आप मैट्रिक के बाद आपने कॉलेज में हमें ज्वाइन नहीं था किया। हाँ, तो फोर्थ ग्रेड में हमारे साथ थी नवीद अंजुम, यस, मिसबा हमीद थी, आप थी, बेस्ट जेबा नहीं थी, जेबा जेबा नहीं थी, सेवेंथ में, जेबा जेबा ने सेवेंथ सेवन्थ में। में ज्वाइन किया था हमें, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ सरफराज, तस्नीम, तबस्सुम, और रुमाना सिद्दीकी, इफ आई नहीं, एम नॉट रुमाना ने रॉन्ग, एट्थ अच्छा में ज्वाइन किया था, सेवन्थ में, एट्थ उसने में रुमाना ने भी ज्वाइन किया था। जी, तो कुछ और भी हमारे साथ थी लड़कियां, अगर आपको याद हो, उन्होंने बाद में कोई सेवन्थ में चली गई, कोई एट्थ में चली गई, आपको याद होगा हमारे साथ राहत और फरहत थी, दो बहनें, अब भी ग्रुप में हैं। जी, वो भी हाँ हमारे साथ थी। और उसके अलावा दशरा, वो भी ग्रुप में है, वो भी चली गई थी 9th में। और एक होती थी रहीला तबस्सुम, जी हाँ आई स्टिल रिमेम्बर। वो अब हाँ दरअसल दरअसल वो रहीला तबस्सुम मेरा ख्याल है उसकी जमीला की बेस्ट फ्रेंड थी, जमीला हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, जमीला वाली मतलब हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। जी में से, मतलब उसे भी हम कभी नहीं भूलते हैं, वो हमें ट्रेस नहीं हो सकी, लेकिन हम उसे जी भूलते बिल्कुल, नहीं हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं। बाकी माशाल्लाह तकरीबन सभी लड़कियां मिल गई हैं, और अगर कोई फेसबुक पे नहीं तो किसी दूसरे के जरिए उसकी खैर खबर मिल जाती है, लेकिन इत्तफाक से जमीला रहमान के सिलसिले में ये खुशकिस्मती नहीं हुई। जी हाँ मिसबा भी नहीं मिली, मिसबा जी बहुत प्यारी थी, वो भी नहीं मिली, शायद नहीं है पे नहीं है, या ऐसी फैमिलीज में है कि नहीं कर सकी, लेकिन वो नहीं मैं मिल सकी, लेकिन बाकी फ्रेंड्स मिल गए, वो मिल सकी, लेकिन बिल्कुल कोई बात नहीं, आगे कभी जिंदगी में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, आप भी तुम्हारी वजह से ना पूरे मेरे, मुझे तो जो जो चाहिए थे मिल गए, मुझे जो जो फ्रेंड्स चाहिए थे मिल गए। जी वेरी लकी कि मुझे जेबा मिली पहले, और उसके बाद फिर जेबा ने मुझे ग्रुप का बताया, और फिर मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद मुझे वो सारे फ्रेंड्स मिल गए जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो ये बहुत क्रेडिट गोज टू यू, ये तुम्हें क्रेडिट जाता है कि तुमने जो है हम सारे फ्रेंड्स को जमा कर दिया। तुम्हें तो मैं एकदम पहचान गई जब मैंने देखा तुम कि नहीं, आपदा बिल्कुल आराम से देख के पहचाना जा सकता है कि ये वो वाली आपदा है। ऐसे करती है कि बिल्कुल, अगर आप मुझे देखो तो आप कहो कि नहीं, ये वो अनीता नहीं है, शायद मुझे देख के कहा जा सके, लेकिन तुम्हें देख के नहीं कहा जा सके। बहुत चीज, मेरे फ्रेंड्स मुझे मिलके हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तो कभी भी ना पहचानते तुम्हें, अगर हमें जेबा ना बताती तो हम तो कभी भी ना पहचानते कि ये अनीता है। तो मैंने कहा हाँ, मैं बहुत चेंज हुई हूँ। फ्रेंड्स मुझे ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई थी, इसलिए बहुत सारी लड़कियां तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरा ग्रुप था, जेबा मेरे साथ वैसे भी बस में भी जाती थी, फिर जमीला थी, मिसबा थी, आप थे, और इसके अलावा जो बॉयज में थे वो इकबाल थे, शेख इकबाल थे, जी, जो हमारे ग्रुप, क्योंकि हम ट्यूशन भी एक जगह पढ़ते थे, हम जी ट्यूशन भी एक, जब ट्यूशन देवा के घर में हम पढ़ते थे फशकीन से, और काफी नालायक भी थे वो, जी वैसे भी हम देख,
कभी एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे, तो काफी नालायक, मैं तो बहुत नालायक बैठी हुई थी। मुझे याद है कि सुनीता को बुला के जो है टीचर्स कहती थी, मिस बल्किस कहती थी कि तुम्हारी बहन पैरों से उठती है क्या, इतनी गंदी रहती है ये पैरों से। मेरी एक मिस समाई मैथ्स वाली टीचर मुझे बहुत याद आती है, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, इतना नहीं मारा, उल्टा चलती थी मैं, वो बाकी सब सीधा चलते थे, मैं उल्टा चलती थी और टकरा जाती थी, और वो अपनी बुक से जरूर मेरे सर पे मारती थी। और वैसे भी मैथ्स इतनी बुरी थी, तो बस मेरी फेवरेट टीचर मिस चुस्ती थी, इकोनॉमिक्स की, मिस चुस्ती अच्छा इकोनॉमिक्स। और बहुत बहुत मैं उनकी बड़ी क्रेजी थी, वो भी हमें बड़ा प्यार करती थी। और मैं कुछ यादें बहुत तल्ख भी है, एक टीचर है उसका नाम मैं नहीं लूंगी, वो हमेशा मेरी क्रॉस लेग क्रॉस पकड़ के खींचती थी, वो मुझे डांटती थी, तो मैं मतलब उस बात को भी नहीं भूलती। कभी कभार अच्छी के साथ कुछ तल्ख बातें भी होती हैं जो आपको याद रहती हैं, वो मुझे वो भी कभी कभार याद आता है। हालांकि वो टीचर मुझे बहुत खूबसूरत थी और उनको देखने में बड़ा आइडियलाइज करते थे, लेकिन कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती थी उनकी। हाँ, वो लास्ट में ऐसे करती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी मुझे, और मैं माँ से कहती थी कि नहीं मैंने नहीं जाना स्कूल, वो मुझे मेरे साथ ऐसे करती है, तो कहती थी इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, टीचर है, नहीं, क्या हुआ। दरअसल वो जो हमारे टीचर्स थे ना, वो हमें बहुत इजी लेते थे। आजकल तो टीचर ने बच्चे को टच किया या टीचर ने बच्चे को जरा कुछ कह दिया तो पेरेंट्स आ गए। हमारे पेरेंट्स को ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं थी होती, और हमारे टीचर्स भी हमें अपने घर के बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते थे। एरेमिक टीचर जो थे वो तो हमें बहुत ज्यादा वो मारते थे, क्या चौक मारते थे, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता था हम बात कर रहे हैं और वो पीछे मुड़ के जोर से चौक मारते थे। मुझे तो वो भी याद है, मेल टीचर, मेल टीचर थे वो, अरबिक हमें पढ़ाते थे। हाँ अरबिक, सर मंसूर, हाँ, वो कैसे हमें चौक हाँ मारते थे, उन्हें पता चल जाता था कि ये लोग बातें बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, 9th में मुझे मेरे जो है ना पापा ने कहा, 9th या 10th में जब बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अगर पढ़ लोगी तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगी तो यही, ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे काले आदमी है ना आपकी, मैं इनसे शादी करती हूँ तुम्हारी। बस वो डर था, आज का दिन है, मेरे पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगी, और रिजल्ट तो अच्छा आया था, बस मैथ्स में मैं 33 नंबर लेके पास हुई थी, वेरी बैड, लेकिन बस पास हो गई थी, ये मुझे खुशी थी कि मैं पास हो गई थी, और यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। मैंने फिर वो कमी पूरी कर दी जो स्कूल में नालायकी की कमी हमने नालायकी डाली थी, वो जो है नालायकी फिर मैंने जो है वो पूरी कर दी, और यहाँ आके फिर मास्टर्स किया, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, फिर मैं BEd किया, इंग्लिश मास्टर्स ट्रेनिंग की मैंने, और उसके बाद शादी के बाद अगेन फिर शादी हो गई, फिर शादी के बाद अगेन पढ़ाई स्टार्ट कर दी, फिर FA, वो फिर वुमेन जो है एम्पावरमेंट में मैंने फिर दोबारा FA BA MA और फिर PhD की, वाह तो वाह, फिर उसके वो बाद जो छोड़ा ही कसूर नहीं भी रह पढ़ाई। गई थी वो सूत समेत आगे जाके आपने कर भी ली और कसूर भी मुझे कर ली। तो उन्होंने मुझे कहा कि अनीता अगर तुम्हें टीचर्स जो है ना देख ले ना, जो जो तुम्हें डांटती थी, तो वो पता नहीं बेहोश हो जाए देख के कि अच्छा ये डॉक्टर बन सकती है। और आप और सुनीता बाजी दोनों जो है मतलब टीचिंग के शोबे से रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी टीचिंग से है, मेरी दादो जी थी वो टीचर थी, मेरी पुतियां जो थी वो टीचिंग में थी, तो मैंने वैसे NGOs में काम, अभी भी जो मैं NGO से ही कनेक्ट हूँ, क्योंकि मैं अब टीचिंग नहीं कर रही हूँ NGO, लेकिन वो भी एक टीचिंग ही है। आप सेमिनार्स ले रहे हो तो भी टीचिंग है, आप सर्मन्स दे रहे हो तो भी टीचिंग है, आप बुक, मेरी बुक जो है यहाँ लाहौर कॉलेज में एज अ कोर्स पढ़ाई जा रही है, जो बुक मैंने लिखी है, ये तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि वो वहाँ एज अ कोर्स बुक पढ़ाई जाए। बिल्कुल, और आपदा तुम्हें तो बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, मतलब मैं पता क्या, मैं बच्चों बच्चे बच्चों के बड़े होने के बाद अपने ये सारी एक्टिविटीज के बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ खत्म हो गई है, बस अब कुछ करने को रह नहीं गया, बुक लिख ली है, क्या बलोचिस्तान का कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते बहुत ज्यादा,
आप घर में बैठ के आर्टिकल्स लिख रहे हो, पेपर में लिख रहे हो, बुक्स लिख रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि आप कोई बहुत ज्यादा अच्छा वो कर रहे हो? एनजीओ में भी आप कितना काम करते हो, बाहर से मुझे बहुत हॉलैंड वगैरह से पीएचडी से आगे उन्होंने मुझे 2 साल की कोर्सेज के लिए बुलाया, लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि बच्चे हैं तो उन्हें छोड़ के जाया नहीं कर सकता था, तो मैं गई नहीं हूँ। लेकिन यह है कि बलूचिस्तान में इतना आप काम कर नहीं सकते हैं, तो ये बात बड़ी तकलीफ देती है कि आप अपने काम को कम से कम थोड़ा सा तो बाहर लेके जाएं, या कि जैसे सोशल वर्क मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन यह है कि आप सोशल वर्क कहाँ करें? आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सोशल वर्क करने के लिए, बिल्कुल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे कोई आप काम करें और वो जो है वो किसी के काम आए। तो नहीं, तो मैं आपके हाँ लिए यही सबसे बड़ा इस वक्त सोशल वर्क नहीं हो जाएगा कि आप अपने एरिया को, अपने बलोचिस्तान को, अपने कोयटा को मेन स्ट्रीम में लेकर? जो जो मैंने एजुकेशन ली मैंने अपनी मर्जी से ली, और बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा उतना ही साथ दिया जितना मेरे फादर ने दिया था, और उन्होंने पढ़ाया था उतना ही मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, और मुझे जो है वो पढ़ाने के लिए एटलीस्ट पीएचडी मैंने उन्हीं के उसके साथ किया है, क्योंकि अगर हस्बैंड इजाजत ना दे और वो हर्डल्स खड़ी करे तो आप नहीं पढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, तब के आप पढ़ना चाहती थी और आपको माहौल वैसा मिला और हस्बैंड और फैमिली भी वैसी मिली, उन्होंने आपको पूरी तरह सपोर्ट किया, जिस तभी आप इतने सक्सेसफुल हुई। हाँ, तभी आपने ना क्योंकि आगे और आप बुक नहीं लिख सकते आप जब तक आपके पास तजर्बे नहीं होते, जब तक आप टाइम नहीं देते हो, जब तक आप मेंटली पुरसुकून नहीं होते हो, आप बुक्स नहीं लिख सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना मुझे मिला टाइम कि मैं एटलीस्ट बुक्स लिख सकूं। अब मुझे खुद भी हैरत होती है कि मैं अच्छा बुक्स लिख लेती हूँ, या मैं स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ, या मैं आर्टिकल्स लिख लेती हूँ, तो अपने आप पे भी हैरत होती है। टीचर्स क्या बेहोश होंगे, मुझे खुद भी हैरत होती है कि मैं ये कर लेती हूँ। और स्कूल का कोई वाकया या कोई बात या दोस्तों की कोई बात जो हमारे साथ शेयर करें जिसमें हम शरीफ हों? नहीं, आपने तो बहुत प्लेस किए हैं और तुमने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, तुमने तो, हम तो खैर इस मामले में भी नालायक थे, लेकिन तुमने तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है इन प्रोग्राम्स में। और मेरा ये ख्याल है कि बस इन बातों के अलावा मुझे कुछ याद आता है, शायद मैं बहुत जल्दी वहां से आ गई और मेरी मेमोरीज बहुत जल्दी वहां खत्म हो गई, सिवाय जो है बस कुछ मेमोरीज के जो मेरी टीचर्स के हवाले से थी, उसके अलावा जो है सोचती हूँ तो ऐसा कोई मेमोरी नहीं आती है मेरे जहन में। लेकिन यह है कि अच्छा टाइम स्कूल क्लास के हद तक याद है मुझे, क्लास के हद तक याद, हाँ, क्लास के और हद तक सर शकील का पढ़ाना बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो बहुत पिटाई देते थे हमें जेबा के घर में, और जो है उनके साथ हमने बड़ी सख्ती सही है, और सुनीता की शिकायतें को शिकायतें जाती थी तो उस पर बहुत हमने सख्ती सही है, सुनीता हमेशा मेरी शिकायतें करती रहती थी। लास्टली सी बात है, बड़ी बहन है ना, तो उन्हें जरा गुस्सा, टीचर्स की वो इसके बारे में बोल रही हूँ, तो अब वो बड़ी खुश होती होंगी कि चलो ये नालायक नहीं रही, लेकिन ये है कि ऐसा वक्त जरूर उनके साथ काटता है कि वो बेचारी भारती टीचर ना बुला ले, मुझे अनीता की टीचर ना बुला ले, ये ना रहता था। लेकिन वैसे ओवरऑल मेरा ख्याल है हम टीचर्स के लिए तो बड़े रिस्पेक्टिव थे और टीचर्स हमें बहुत प्यार करती थी। नहीं होती थी हमने पिकनिक भी बड़ी इंजॉय की, हम पिकनिक, बहुत एंजॉय किए, मुझे आज भी अपनी सारी पिकनिक्स याद है कि हमने बहुत बिल्कुल एंजॉय किया, मुझे खुद याद है, एक एंजॉयमेंट थी यार, बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी थी। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, इतने अच्छे जो है वो टीचर्स, इतने अच्छे, मतलब सबके स्कूल के अच्छे एक्सपीरियंस होते होंगे, लेकिन हमें जो इतने सालों के बाद मिला है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत साल, और हाथ में रिबन्स बंधे हुए, वो कलर्स कलर्स के बिल्कुल रिबन्स, बिल्कुल। और और ग्रुप्स, हाँ, वो आपने वो जो हाँ ग्रुप्स थे, खदीजा हाउस और आमिना हाउस, फातिमा हाउस और आयशा हाउस, ये 4 ग्रुप्स थे। हाँ, आइए हम आई स्टिल मुझे रिमेम्बर, आई वाज इन खदीजा हाउस, ब्लू कलर था उसका। तो नाम याद नहीं है बट ऑरेंज था मेरे को, इधर मुझे लगाओ आपका क्या कहा, सॉरी? लगाओ ना। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आपको देखिएगा ना, जो मैं अभी नेक्स्ट पोस्ट करूंगी मसूद भाई का इंटरव्यू, तो
तो उसमें वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्यों ना गेट टुगेदर पाकिस्तान में रखें, इसलिए सबके साथ ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है उनके वो सेकंड पार्ट में। अब जब वो मैं सेकंड पार्ट करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने चलो जो भी आ सकते हैं, जो भी मिल सकते हैं, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। और हम क्वेटा से, हमारे लिए बहुत जल्दी जाना या कहीं भी जाना थोड़ा मुश्किल होता है, जहां आप लोग करते हो मोस्टली, तो इसलिए अगर पाकिस्तान में हो तो इट्स टू गुड, हम एटलीस्ट लाहौर कराची वगैरह आ सकते हैं, इस्लामाबाद यहाँ को हम आ सकते हैं आराम से। मेरा ख्याल है कि जरूर मैं आपका ये सारा पैगाम जो है बाकी एडमिन तक पहुंचा दूंगी, और एंड में कोई मैसेज देना चाहें ग्रुप को, पूरे हमारे ग्रुप को? नहीं, हमारा ग्रुप तो बहुत सारा है, आपदा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो है वो बेहतरीन चल रहा है, जिसने चले हैं सोशल फील्ड डाला है, तुमने उसमें शायरी का हिस्सा डाला है, तुमने उसमें बहुत कुछ डाला है, और एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, साथ हेल्पिंग हैंड भी कर रहे हो, ये भी एक बहुत अच्छा वर्क काम, हेल्पिंग हैंड काम है। मैं इसको भी थोड़ा सा अभी स्टडी करूंगी, टाइम में क्रिसमस के बाद देखूंगी, क्योंकि मेरा फील्ड भी यही है और ये हेल्पिंग हैंड कर रहे हो, तो मेरी ये बिल्कुल कोशिश होगी कि मैं इसको भी देखूंगी। और ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है ये तो एक्सीलेंट है, ये बहुत बहुत खूबसूरत है, एटलीस्ट मैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, दोबारा से क्लासरूम आ गया, और नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं अगेन थैंक्स तुम्हारा करना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत से कामों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, फ्रेंड्स मिले हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, ये देखने को वाकई दिल चाहता था, मुझे ऐसा लगता है एक नई लाइफ शुरू की है, मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि मैंने एक नई लाइफ शुरू की है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, तो बेटी नहीं होती तो फिर आप अकेले होते, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं होता, बेटे तो सहेलियां मिल गई, तो मुझे बहुत सारी सहेलियां मिल गई, आई एम सो हैप्पी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, जिस तरह से काम कर रहे हो, कीप इट अप, आगे इसी तरह लेके जाओ, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू, इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमसे बातचीत की, पुरानी यादों को ताजा किया और पुराने दोस्तों का जिक्र किया और अपने फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की, जो आपकी याददाश्त में वाकयात थे वो शेयर किए हमारे साथ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप हमारे साथ इसी तरह रहेंगी, और हम अपने हेल्पिंग हैंड के सिलसिले में भी आपको इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपके जो तजर्बात हैं उनसे फायदा उठाएं, या आपके जो आइडियाज हैं उनको हम यूटिलाइज करें कि इन पर चल के क्या हासिल हो सकता है, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और आखिर में फिर मैरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, और अल्लाह पाक जिंदगी में आपको सक्सेस